जनाब समीर साहब और समीर साहब की पूरी टीम और तमाम लोगों का मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले मेरे को ऑपरेशन कराने के लिए मेरी एंजियोग्राफी केयर हॉस्पिटल में हुई। थोड़ा डिटेल बोल सकते सर? हाँ, तो केयर हॉस्पिटल में मैं एंजियोग्राम कराया और रमना राजू साहब से मेरी मुलाकात हुई। रमना राजू साहब भी मेरे को अच्छा वो करे। उसके बाद में मैं वहाँ से मेरे फैमिली फ्रेंड है मिस्टर इब्राहिम साहब समीर साहब का और सनशाइन हॉस्पिटल का एड्रेस दिए। देते मैं बोला नया हॉस्पिटल है, कैसा है कि क्या है कि बोलिए। मैं फर्स्ट टाइम कार में बैठ के ओल्ड सिटी से, हालांकि मेरे घर के बाजू भी एक ज़बरदस्त दवाखाना है, वहाँ पर भी असरा हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी बाईपास सर्जरी हो रही, अवेसी में हो रही, यशोदा में हो रही, किम्स में हो रही। और होने के बाद मेरे एक फैमिली फ्रेंड बोले भाई आप सनशाइन में कराओ, वहाँ पे समीर साहब पहले किम्स में करते थे, भास्कर राव के असिस्टेंट है और बहुत शानदार आदमी है वो बोले। मगर वहाँ से फिर मैं निकल के आया, आगे समीर साहब से मिला तो मेरे को समीर साहब से बातचीत करने पर मेरे को 100% ये हो गया कि समीर साहब से ही मेरे को ऑपरेशन कराना है और मेरे को यहाँ से चल लेते आया और चल लेते हुए जाना है, बल्कि मेरे दिमाग में बैठ गया। क्योंकि एंजियोग्राम के बाद मैं पूरा डिसअपॉइंटेड हो गया था। यहाँ से वहाँ चला तो क्या है कि आटा का जाता कि क्या है कि क्या हो जाता कि क्या है कि ऐसी है वो तो की थी। मगर समीर साहब से मैं जब फर्स्ट टाइम मिला, समीर साहब से मिल के समीर साहब मेरे को बोले देखो भाई ये खून पतला करने की गोलियाँ बंद करना है, बंद करके फिर आपका ऑपरेशन फिफ्थ को आओ छः को कर देंगे, 98-99% आप अच्छे हो जाएंगे, 1-2% आप नहीं बोल सकते हो, अल्लाह अगर नहीं चाह रहा तो मेरी तरफ से तो 100% आप अच्छे हो जाते बोल के साहब बोले। और साहब ये बोले कि ये दिल का मामला है बोल के भी 1-2% बोल रहा हूँ, नाक का नलक का नहीं है, हार्ट का मामला है बोल के 1-2% बोल रहा हूँ, मगर आप अच्छे हो जाते, आप फिक्र नको करो, आप बिल्कुल टेंशन में न करो बोल के साहब मेरे को अच्छी काउंसलिंग करे। तकरीबन मैं साहब सर्जरी कर रहे थे, साहब से मिलने के लिए 2 बजे आया था, आए बाद साहब एक कॉक्टेशन ऑफ आयोटा की वो वाल का रिप्लेसमेंट कर रहे थे, 2 बजे साहब बुलाए, 4:30 बजे साहब का बड़ापना है सर्जरी करके कपड़े भी नहीं बदले वैसे चाहे साहब आके मेरे से 4:30 बजे से 5:15 बजे तक 45 मिनट मेरे से बात करके बोले आपकी सर्जरी कर देंगे, आप फिक्र मत करिए। और उसके बाद में साहब चले गए। साहब को मैं ये भी बोला साहब थोड़े पैसों का भी ऐसा तो पैसों का भी तुम फिक्र ना करो बोल के साहब बोले कि हॉस्पिटल में पैसों का भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत नीचे पर होगा वनी साहब ऐसा तो साहब वो भी हेल्प करे आखिर में। तो साहब मेरे को बोले मैं पैसों का पूछे भागा तो तुम पैसों की फिक्र मत करो, फिफ्थ को आओ शरीक हो जाओ, मैं आके करता हूँ। साहब छुट्टी पे गए थे 1-4 तक कि 5 को आने के बाद मेरे को साहब आने से पहले पूरे यहाँ का स्टाफ इतना डिवोटेड है और यहाँ ये स्टाफ के बारे में बोलना क्या है, सूरजपुर चिराग बताने के इक्वल है। तो इतना डिवोटेड स्टाफ है, साहब नहीं भी तो हमारे वरुण साहब रमेश साहब और हमारे अहमद साहब सब मिल के मेरा पूरे मुआयने कर दिए, हमारे एनेस्थीसिया के साहब सब मिल के बोल दिए। बोलने के बाद मैं शरीक होते 5 तारीख को हमारे साहब आए, आके मिले, आके बोले भाई आप 2 दिन मेहमान हैं और 2 दिन के बाद आप ICU में रहेंगे, आपका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन हुए बाद आपकी फैमिली मेंबर नहीं मिलेंगे, मैं मिलूँगा नहीं तो मेरा स्टाफ मेंबर मिलेंगे, सुनीति मैडम, दीपू मैडम, ये सब हमारे सिस्टर मिलेंगे और रमेश साहब, अहमद साहब और हमारे दूसरे साहब हैं सुधाकर साहब और वरुण साहब वगैरह मिलेंगे, आपके फैमिली मेम्बर नहीं मिलेंगे, आप परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना बोल के हमारे साहब बोले। तो साहब से हम साहब आगे हमारे को अच्छी काउंसलिंग करे। उसके बाद हम बिस्मिल्लाह बोल के 8:30 को हमारे को थिएटर में ले गए, लेके बाद में हमारे को इंजेक्शन देरी करे थे साहब, फिर आगे साहब हमारा ज़बरदस्त सर्जरी करे बाद हमको तो होश में नहीं थे, हमारे फैमिली मेम्बर से समीर साहब बात करे, 1:30 बजे बात करे करते हमारे को बाद में मालूम हुआ, 1:30 बजे साहब बात करे, बहुत शानदार हुआ ग्राफ्टिंग, बहुत शानदार थी, पेशेंट होश में है, आप लोग परेशान मत होंगे बोल के हमारे खानदान वालों को भी साहब पूरा एश्योरेंस दिए कि अच्छा हो जाएगा और 2-3 दिन वहाँ पे ICU में रख के आपके लिए भेज देंगे। फिर उसके बाद 3:40 को मैं घड़ी देखा तो वहाँ पे
थ्री पार्टी हो रहे थे तो हमारे साहब समीर साहब बोले आप किससे मिलना पसंद करेंगे, पेपर दिए मेरे को, तो मैं पेपर पे लिखा, वाइफ लिखा, एक ही आदमी लिखना बोल के बोले, कोई बाजू से मालूम नहीं कौन थे, तो एक ही आदमी का लिया नाम लिखो तो वाइफ पर दो, साहब हंसते जाके फिर नीचे से हमारे सेकंड फ्लोर पे वाइफ थे उनसे मिलाए, फिर उसके बाद मेरे को चार बजे पूरा निकाल दिए नलिया मुंबई से। निकालने के बाद साहब बोले पानी दे उनको, बोले तो पानी मंग रहा था मैंने दे रहे थे, 4:10 को पानी वानी दिए, थोड़ी वोमिटिंग्स हुए। उसके बाद हमारे दीपू सिस्टर वहाँ पे थे, दीपू सिस्टर हमारे को माउथ फ्रेश लागे करके दे के उस दिन शाम में पूरा अच्छा जूस वगैरह दिए। फिर दूसरे दिन सुबह से हमारे को नॉर्मल डाइट दी सब, थैंक यू वेरी मच जो हमारे को अपॉर्चुनिटी दिए, समीर साहब का, उनके स्टाफ का, पूरी टीम का बेहद शुक्रिया सब, थैंक यू वेरी मच।